एवरीवन, माय नेम इज उत्तम कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यह है कि आज हम बहुत ही एक हिस्टोरिकल और फेमस प्लेस में जाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये है कि जो हमारा एक नाम सुना होगा सबने, यूनेस्को करके जो नाम है, तो है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके। तो वो जो है वो बेसिकली है क्या, जो तुम्हारी जैसे हमारी पूरी वर्ल्ड में जैसे फेमस प्लेसेस, जैसे तुम्हारा हिस्टोरिकल हो गया, कोई मॉन्यूमेंट हो गया, या फिर आर्किटेक्चरल कोई बहुत ही सुंदर प्लेस हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब उनको मतलब हेरिटेज प्लेस करके मतलब कहते हैं। तो उसी तरह हमारी पूरी दुनिया में ही मतलब वर्ल्ड के सब जगह में ऐसे उन लोगों ने क्या किया कि हेरिटेज प्लेस करके उसको दे दिया। ठीक उसी तरह हमारी इंडिया में भी है, और इंडिया की एक हमारी असम में है, जो हमारा है ना काजीरंगा नेशनल पार्क, वो असम में है। ठीक उसी तरह या महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में जो हम जाते हैं ना, जो CSMT स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, वहाँ का जो आर्किटेक्चर हो गया या फिर मोनूमेंट हो गया, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में आते हैं। ठीक उसी तरह एक और है जो समंदर के बीच में है, बेसिकली बीच में है, उसका नाम है मतलब एलिफेंटा आइलैंड। तो वो एलिफेंटा आइलैंड के बीच में एक एलिफेंटा केव करके एक है, वो मतलब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज उसको प्लेस घोषित किया है। मतलब ऐसे होते रहते हैं बहुत जगहों में, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार हो गया, तो वो चीज़ है। तो वहाँ जाने के लिए पहले तुम्हें CSMT तक जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से तुम्हें गेटवे ऑफ जो इंडिया है वहाँ से तुम्हें बोट लेके समंदर के बीच में जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ तक पता है कि कैसे जाना है, वहाँ तक पता, लेकिन वहाँ का जो रेत क्या है, फेरी का या फिर बोट का रेत कितना है, वो सब इतना नहीं पता। तो मैं अभी वही ट्रेन स्टेशन तक जाऊँगा, अमरी खारगर ट्रेन स्टेशन तक, उसके बाद तो सीधा जाएंगे CSMT तक। तो बेसिकली क्या है कि बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, और केव मतलब सबको पता है कि जो रॉक से बने होते हैं ना, जिसके तुम अंदर जा सकते हो, बहुत हिस्टोरी, जब ना हिस्टोरिकली प्लेस हुआ, हिस्टोरिकल प्लेस ही हुआ वो, क्योंकि तुम केव मतलब अंदर जा सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे है, जो वो बेसिकली लॉर्ड शिवा के मूर्तियाँ वगैरह बहुत है। मैं इतना नहीं पता, मैं जाके ही पता चलेगा, मैं इतना भी नहीं, मतलब फुल डिटेल्स में मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना बता दिया आप लोगों को। तो यही है, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है, और अच्छा लगे वीडियो तो, ये बार बार बोलता हूँ, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जो हो कर देना। जल्दी मैं खारगर ट्रेन स्टेशन पहुँच गया, अभी मैं CSE तक जाऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोल बोल के नहीं बता सकता, लेते भी तो मतलब वीडियो लंबा खींचेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो क्या है मैं आप लोगों को दे दूँगा, मतलब मैं कहाँ से दूँगा, मैं गूगल से देख के दे दूँगा, जहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी तो वो दे दूँगा आप लोग। पर मैं CST पहुँच गया, तो अभी मतलब यहाँ क्या करेंगे, CST से हम लोग गेट ऑफ इंडिया के लिए बस लेंगे, तो बस सस्ता पड़ता है इसलिए बस लेंगे, वहाँ तक जाते हैं। और यह है कि आज बहुत भीड़ है, भीड़ मतलब हर दिन यहाँ पर भीड़ ही रहेगा, क्योंकि मेन स्टेशन यही है ट्रेन का, मतलब लोकल ट्रेन का, तो इसलिए बहुत भीड़ है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम मैंने माँ को फ़ोन किया था, माने कही थी कि यहाँ मतलब आसाम में बहुत ठंडी है, अभी ब्लैंकेट वगैरह उड़ने की हो गई है, लेकिन इधर तो मैं रूम में कुछ मतलब नीचे पहनता, ऊपर कुछ नहीं पहनने की, मतलब पहनता नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पंखा वंखा लगा के रहता हूँ। बहुत गर्मी है इधर, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है। तो अभी बस पकड़ता हूँ, सीधा गेटवे ऑफ इंडिया तक जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा। फाइनली मैं गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच गया, ये देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया, ये पे होटल ताज होटल, ये सब है। मैंने मेरे पहले वीडियो में दिखाया है, आप लोग वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आज मैं ये नहीं दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टिकट कटना पड़ेगा मतलब बोट के लिए, मुझे एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए। तो पहले मैं टिकट काटता हूँ, और कितना रेत वगैरह है मैं वो पहले नहीं बता सकता, मैं बाद में बता दूंगा कितना खर्चा होगा यहाँ आने का जाने का, सब कुछ बता दूंगा मैं लास्ट में। तो पहले अभी मैं ये है गेटवे ऑफ इंडिया, तो लोग बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं पहले टिकट कर पाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या हो क्या ना हो। 260 रुपये एक टिकट है, बहुत ज़्यादा है, और ऊपर आने का 10 रुपये एक्स्ट्रा, बहुत महंगा हो गया भाई, बहुत महंगा है ये, लेकिन देखते हैं, जाने का 1 घंटा लगेगा हम लोगों को, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा क्या होता है। सनग्लास मस्त है, तो आप लोगों को मैं फिर दिखाता हूँ, अभी मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है।
feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Men against my intentions. I अंदर हूँ और जो ये बोट का पायलट है वो चला रहा है. बहुत मेहनत, मतलब रिक्स का काम है, मतलब समंदर के बीच में चलाना रिक्स ही है. बहुत मैं अंदर दिखाता हूँ कैसा क्या है. ये मतलब इससे कंट्रोल किया जाता है और ये ब्रेक वगैरह है, मतलब रुकने के लिए यही है. और ये से इन्हें अंदर मतलब, और बाकी ये अंकल चला रहे हैं अभी. और एक है जो सो रहा है, मतलब अल्टरनेटिव में होता है वो, मतलब एक कोई रेस ले रहा है तो एक चला रहा है, ऐसा होता है. और हर दिन चलते हैं तो मेहनत बहुत है, तो वही है. अभी क्या होगा कि हम लोग पहले यहाँ से आए थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तक जाना होगा. उसके बाद वो एलिफेंटा आइलैंड भी मिलेगा, वहाँ पे कैब भी है. और यहाँ पे जो सोती वाली ट्रेन है ना, वहाँ मतलब यहाँ से पत्री जो देख रहे हैं, वहाँ से सोती वाली ट्रेन वहाँ से लेके जाते हैं लोगों को. लेकिन अभी जाने के समय नहीं जाऊँगा, आने के समय मैं आऊँगा. तो अभी मैं पैदल ही चलता हूँ यहाँ से, तो देखते हैं जब मिलेंगे तुम लोगों को. अभी ये देख सकते हो, मतलब वेलकम टू एलिफेंटा आइलैंड पहुंच गया. लेकिन यहाँ पर टिकट फिर कटना पड़ेगा यार. टिकट की बहुत मतलब ज़्यादा है, मतलब सब में टिकट ही कटना पड़ता है. तो देख लेते हैं आप लोग कितने का टिकट है. कितने का है टिकट? 5 रुपया. सस्ता है, 5 रुपये कट लिया. लेकिन ये सस्ता था, 5 रुपये वाला टिकट था तो ठीक ठाक है. अभी ये लास्ट वाला था, लास्ट टिकट वाला था. अभी टिकट कटने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी अभी मैं आ ही गया हूँ, अभी देखा तो मैं आप लोगों को आ ही गया. अभी तो आ गया मैं, मतलब मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो पूछ के आना पड़ रहा है, किसी को भी कहाँ जाना पड़ता है. लेकिन ठीक ठाक है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को सीधे चीज़ें. तो अभी हम मतलब ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कितने तो जाने पड़ेगा. मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो ऊपर में देखते क्या क्या है. मतलब ऐसे साइड में तो रेस्टोरेंट वगैरह चीज़ों की दुकान सब कुछ है, मतलब आराम से, मतलब सब कुछ अवेलेबल है. खाने के लिए भी है, कुछ लेके भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये सब सब कुछ है. अभी देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं, बाद में देखा जाएगा. और ये सब है, मूर्तियाँ वगैरह है. तो ऊपर जा रहा हूँ, अभी देखते हैं. हम लोग सब ऊपर ही चढ़ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं. बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है. घूमने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. लोग भी अच्छे हैं. और ये फॉरेनर भी एक, फॉरेनर भी है. क्योंकि पता नहीं हिंदी तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो रहने देते हैं अभी. मतलब हुआ है कि आइलैंड के अंदर ही मतलब पूरी एक मेला लगा है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पे हो. अभी बहुत सारी दुकानें बंद है अभी. तो मैं तो अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ. मैं अकेला हूँ इसलिए थोड़ा मतलब बात नहीं कर पा रहा किसी से. मतलब ऐसे मतलब दोस्त साथ में होते तो एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन कोई ना, हो जाएंगे. तो अभी ऊपर आ गए हम, अब दिखाता हूँ मैं. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. मेरे शीशा की बहुत नज़दीक है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो गई भाई. माँ कसम बोलता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा. देख सकते हो आप लोग, ऐसे सर के जाना पड़ेगा मुझे, ऐसे सर के मैं आ गया. अभी पता नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा. मैं सोचा था कि नज़दीक है, नज़दीक तो नहीं है भाई. मुझे चढ़ना ही पड़ रहा है, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है. लोग चढ़ रहे और देखते हैं वीडियो में. बहुत बड़ा स्कैम तो हो गया मेरे साथ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी. सुबह मैंने कुछ खा के भी नहीं आया था, तो दिक्कत हो गई मुझसे. कुछ खाने के लिए इधर है ही नहीं बेसिकली, मुझे जो कुछ चीज़ें मैं खाता भी नहीं हूँ. अभी बहुत चढ़ना पड़ रहा है, देखता हूँ क्या हो गया ना हो. मैं पहुँच गया अभी, ये है पहुँच गया. मतलब और भी बहुत सारे हैं, पहले ये दिखाता हूँ मैं. ये एक तोप है, देख सकते हो कितने बड़े तोप है. तोप के बंदूक, तोप जो भी चले चलता है, इतने देख सकते हो. ऊपर जाना भी है और बहुत है सारे चीज़ें. देखता हूँ मैं कितना दिखा सकूँ मैं आप लोगों को. गाइस हम लोग अभी
तोप के नीचे ही है और ये लोग मिल गए। भाई लोग, भाई लोग कहाँ से आप लोग? मैं तो बिहार से हूँ, एक्चुअली आया हूँ मुंबई शहर घूमने के लिए। पता अभी गेट ऑफ इंडिया आया तो पता चला इधर एलिफेंटा नाम का भी कुछ चीज है, तो आया घूमने इधर ही। तो ये तोप मुझे दिखा और ये तोप मैंने दिखाया था आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटा किस्म का टापू है, बस बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया, बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। भाई इसका चैनल सब्सक्राइब कर, थैंक यू, थैंक यू। हम क्या करेंगे, अंदर एक गुफा है, गुफा में जाएंगे अभी। तो ये अंदर से जाना पड़ेगा, तो ऐसे गुफा सब यहाँ पे है, ऐसे गुफा में अंदर से जाना पड़ेगा। इधर कुछ है शायद, अंदर से जाना पड़ेगा। इधर है, कहाँ से जाओ, ये देख सकते हो कहाँ पे, पता नहीं भाई कहाँ पे क्या है। अरे यार कुछ तो पता नहीं यार, कुछ तो है ये गुफा में, कुछ ऐसा ही गुफा है मतलब। अब निकला, यही है एक गुफा है इधर अंदर में, बाकी ऐसा कुछ नहीं। Stood out 'cause you were in red. Men against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. लोगों ने सब कुछ देख के आ गया, बहुत मस्त जगह आए, बहुत मस्त, कभी भी आओ, कभी दिक्कत वाली बात नहीं है, एंजॉय करो। एक ही बात है, दिक्कत वाली एक ही बात है, बंदर से सावधान रहना, पैसा ज्यादा लेके आना। बंदर उठा के भी ले जा सकते हैं पैसा, वो दिक्कत है अभी। फाइनली मैं सब फाइनली हो रहा है, तो फाइनली मैं अभी क्या कहते हैं उसको खारघर पहुंच गया। तो अभी हुआ यूँ कि जो हमारा मैंने सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को, बस दिखाने के एक बाकी थे कि मतलब टोटल खर्चा कितना होगा, मतलब कितने में आप आके खा के सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने मतलब मेन है कि अगर हम खारघर में रहते हो तो यहाँ से ट्रेन खारघर ट्रेन स्टेशन तक तुम्हारा 30 रुपीज़, आने जाने का 60 रुपीज़, उसके बाद जो वहाँ पे टिकट है वो 260 का है, उसके बाद और एक्स्ट्रा टिकट लगेगा तुम्हें 50 रुपीज़ का मान लो, तो कितना हुआ 60 रुपीज़, 50 रुपीज़, 110 और 260, 370 हो गया। अभी खाने का तुम लोग 100 रुपये मान सकते हो, उसके बाद बाकी और एक्स्ट्रा जो वहाँ पे जाने का एक्स्ट्रा से मतलब CST से वो गेटवे तक जाने के लिए, तो करीबन तुम 500 रुपीज़ में मतलब पूरा वो घूम सकते हो। और अगर 200 रुपये ज़्यादा खर्च करोगे तो एक साथ में तुम वो मरीन ड्राइव, उसके बाद हाजी अली दरगाह, गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद एलिफेंटा आइलैंड, तो सब कुछ घूम सकते हो। तो इतना मतलब बहुत महंगी नहीं है, अगर तुम मतलब मतलब एक बजट फ्रेंडली में चल सकते हो तो आराम से तुम्हारा 500 से लेकर मतलब ओनली एलिफेंटा कैब के लिए तुम्हें 500 में हो जाएगा। अगर तुम मरीन ड्राइव या फिर और कुछ देखना चाहते हो साथ में तो 700 रुपीज़ 800 रुपीज़ में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया वीडियो। बाकी